केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस नेताओं के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान रैली का विभिन्न मार्ग से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली प्रदर्शन में विधायक रवि जोशी, झुमा सोलंकी, सचिन बिरला, विजय लक्ष्मी साधो, विधायक केदार डाबर सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता किसान मौजूद रहे। ट्रैक्टर विभिन्न मार्ग से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। रैली में कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस विधायकों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया और धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें महिला विधायक झुमा सोलंकी और विजय लक्ष्मी साधो को हल्की चोटें आई। इस दौरान किसान हित में कांग्रेस विधायकों ने जिला प्रशासन के बाद आगामी दिनों में रूपरेखा तैयार करके राज्यपाल निवास को घेरने की बात भी कही। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर जो हमारा आनंद आता है किसान, दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से जो आंदोलन कर रहा है और 70 से भी अधिक किसान की मृत्यु हुई है, कोई कड़ाके की ठंड में ना, किसी ने आत्महत्या की, किसी को टेक आया, लेकिन इस गुंगी बहरी सरकार को आवाज समाज में नहीं आ रही है। इन सबको देखते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के आदेश पर, आदरणीय कमलनाथ जी के आदेश पर प्रदेश के अंदर ब्लॉकों में, जिला हेडक्वार्टर पर और प्रदेश पर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ बनकर हम जगह जगह आंदोलन के माध्यम से 8 तारीख को जिले के सभी ब्लॉकों में हम लोगों ने शांतिपूर्वक कोविड का ध्यान रखते हुए रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। आज खरगोन के अंदर सभी हम पूरे जिले के विधायकगण अपने अपने समर्थकों के साथ, किसानों के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक जिला हेडक्वार्टर पर हम लोग प्रदर्शन करते हुए, बड़ी भारी तादाद में किसान भी हमारे साथ थे, रैली के रूप में ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए हम लोग आ रहे थे। तो जगह जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको रोक लगाई, हम महिला विधायकों को भी बहुत धक्के पड़े, आदरणीय झुमा सोलंकी जी, मुझे, हमारे साथ और भी महिलाएं थी, काफ़ी धक्के भी पड़े। इस तरह का जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, ये प्रजातांत्रिक देश है, इस तरह की हमारी, हमको हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार है, जनतंत्र को, जनता को आवाज़ उठाने का अधिकार है और हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्रों का, जनता ने हमें चुनकर भेजा है और उस आवाज़ को, वैसे तो हम लोगों ने सबने देखा कि पिछले 2019 के मार्च में हमारी शिवराज मामा की सरकार ने प्रजातंत्र का गला घोटकर सौदे के माध्यम से 16 करोड़ की सरकार ये बनाई है। उम्मीद तो हमें बहुत कम थी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से कहा गया है कि इनकी आवाज़ को बंद करो, उसी का नमूना खरगोन में भी हमको देखने को मिला कि हमको 2 जगह बैरिकेड लगा लगा के रोका गया, जो कि प्रजातंत्र में बहुत ठीक नहीं है। कृषि ऋण माफ नहीं होने को चलते आपने चेतावनी भी दी है कि आगामी जब मार्च रहेगा उसमें घेराव किया जाए, कलेक्टर क्या चेतावनी दी है? बिल्कुल, हमारे विधायक महोदय सचिन बिरला, रवि जोशी जी, झुमा सोलंकी जी, मैं, केदार भाई भी हमारे साथ थे, सब लोगों ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक फेज वाइज जो बांटना चाहिए था कृषि ऋण, वो सेकेंड फेज का किसी ब्लॉकों में हो गया, कहीं ब्लॉकों में नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो 19 में जो फसलें बर्बाद हुई थी, जिसका मुआवजा मेरे अपने खुद की विधानसभा में करीब 93 करोड़ रुपया सेंक्शन था, जिसमें से मात्र 23 करोड़ रुपया 25% बचा है, 75% अभी भी बाकी है। इन सब चीजों को लेकर सारे विधायकों ने कलेक्टर महोदय से कहा कि इस पे शासन प्रशासन जल्दी निर्णय ले, अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा और कलेक्टर ऑफिस का घेरा। हजारों किसानों की संख्या को देखते हुए और सैकड़ों 500 से अधिक ट्रैक्टर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करा, कलेक्टर खरगोन के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं और सरकार प्रदेश की हो कि देश की हो, काले कानून जो 3 लाए हैं उनको वापस कर लिया जाए तत्काल, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ किसान खड़ा है और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भविष्य में बड़े आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी और खरगोन में कलेक्टर ऑफिस के साथ साथ हम राज्यपाल के निवास को 23 तारीख को घेरने जा रहे हैं भोपाल के अंदर,
आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर काले कानून तत्काल वापस नहीं ले गए तो बड़ा घेराव की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।